नमस्कार, मैं ब्रिज मंसूरी स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। आज हम बात करेंगे अपनी बेटियों के बारे में, जिनकी शादी अभी नहीं हो रही है, या जिनकी शादी हो गई है, पति सुख नहीं मिल रहा है, या जिनकी बात तलाक तक पहुंच गई है, या जिनकी तलाक हो चुकी है, दोबारा शादी नहीं हो रही है, तो वो क्या करें कि उनकी जिंदगी में सुख आ जाए। पहले प्रार्थना, हे प्रभु, प्रत्येक लड़की प्रत्येक बेटी को पूर्ण सुख दो। दुनिया की कोई बेटी दुखी ना रहे, सभी बेटियां सुखी रहें, सभी बेटियां खुश रहें। हे मेरे नाथ, हे मेरे साईं, हे मेरे प्रभु, बेटियों के भाग्य में अति सुख लिख दो। मेरा तो ये एक प्रार्थना है परमात्मा से। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप क्या करें कि आपको पति सुख मिले और आपकी शादी भी जल्दी हो जाए, यदि शादी नहीं हो रही है। गोरा माता की पूजा, प्रतिदिन आप एक तो चने की दाल दान कीजिए, दूध में हल्दी डालकर पीजिए, और हल्दी या केसर का तिलक लगाना शुरू कीजिए, और गोरा माता का चालीसा एक तो रोजाना पढ़ें, और दूसरा सोमवार के सोमवार शिव मंदिर जाइए, गणेश वंदना कीजिए। सबसे पहले गणेश जी को नमस्कार कीजिए, फिर शिव जी को नमस्कार कीजिए। ऐसे ही करना है, अपनी मर्जी नहीं करनी है। फिर शिव भगवान को नमस्कार कीजिए, फिर गोरा माता को श्रृंगार चढ़ाइए सोमवार के सोमवार। श्रृंगार मतलब जैसे कच्ची लस्सी आपने गणेश जी पर डाली, फिर शिव जी पर डाली, अब गोरा माता पर डाली, अब श्रृंगार चढ़ाएंगे। बाजार से मिल जाता है पैकेट, बैंगल्स, चूड़ियाँ होती हैं, सिंदूर होता है, माथे की बिंदिया होती है, और थोड़ा बहुत सामान चुनरी होती है। ये हर सोमवार चढ़ाएं और प्रार्थना करें कि हे गोरा माँ, मुझे योग्य पति मिलें जो मुझे बहुत प्यार करें, मेरी शादी जल्दी हो, यदि शादी हो चुकी है तो कहिए कि मेरे पति का सुख मिले, झगड़ा चल रहा है तो कहिए झगड़ा समाप्त हो जाए, यदि तलाक तक नौबत है तो कहिए मेरा तलाक मत हो। जो भी आपकी इच्छा है, अच्छे ढंग से प्रार्थना कीजिए। हे गोरा माँ, मैं पति सुख से वंचित हूँ, मेरी शादी नहीं हो रही है, आप कृपा करें कि मुझे योग्य वर मिले, ऐसा पति मिले जो मुझे बहुत प्यार करे और जल्दी शादी हो जाए। अपनी बेटी को आशीष दो ताकि वह भी अपना घर बसाकर जीवन का वह सुख ले सके। इस प्रकार ये रोजाना करना है, और सॉरी सोमवार के सोमवार करना है। करते रहिए, लगन से कीजिए, दिल से कीजिए। यदि आप लगन से नहीं करते हैं तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, इसलिए दिल से, लगन से, भक्ति के साथ कीजिए, फिर देखिए कैसे आपकी इच्छा पूर्ति होती है और बहुत जल्द होती है। ये करते रहिए, मेरे को फोन करके मैसेज करके ये मत पूछिए कब तक करना है, करते रहिए जब तक आपकी इच्छा पूर्ति नहीं होती है। द्वार खुलेंगे खुलेंगे बेटा, जरूर खुलेंगे, मेरा दावा है 100% खुलेंगे, लेकिन अपनी भक्ति को जागृत करो, यहाँ जो शक्ति है उसको जागृत करो। परमात्मा ने जब आपको बनाया था बेटा, तो सारी शक्तियाँ यहाँ डाल दी, सारी शक्तियाँ आपको दे दी, लेकिन हमने वो द्वार बंद रखा हुआ है, उस द्वार को खोलना है। जब वो द्वार खुल जाएगा तो किसी भी सुख से आप वंचित नहीं रहोगे। आपका पति शराब पीता है, लड़कियों के पीछे जाता है, जुआ खेलता है, आपकी इज्जत नहीं करता, आपसे प्रेम नहीं करता, तो आप अपनी माँ को जागृत करो। जब आपकी माँ आपको शीश दे देगी तो पति की क्या मजाल है कि वो आपको प्रेम ना करे। मैं देखता हूं कैसे फिर वो जाता है दूसरी औरतों के पीछे। आप सिर्फ अपनी माँ को जागृत करो, उसकी भक्ति करो। अब समय कितना लगेगा ये डिपेंड करता है आपकी भक्ति पर। अब जो लोग सारा दिन जाप करते रहेंगे, बड़े प्रेम से करेंगे, उनको तो कुछ ही दिनों में लाभ हो जाएगा। जो नहीं कर पाएंगे या जिनके ग्रह बहुत खराब हैं, जिनका भाग्य बहुत खराब है, उनको थोड़ा समय लग जाएगा। तो आप करते रहिए ना, आप दुखी हो, अपना दूसरे जो भी उपाय हैं आप कर रहे हैं, करते रहिए, ये कार्य आप करते रहें तो आप देखें कैसे सुख की प्राप्ति होती है।
यदि पति अच्छा है, सब कुछ ठीक है, फिर भी आप कर सकते हो, पति के सुख के लिए भी कर सकते हो, ताकि आपका प्रेम पति से बना रहे। बच्चों याद रखना, परमात्मा की शक्तियां आपके इर्द गिर्द घूम रही हैं, हमने सिर्फ उसे ग्रहण करना है। ग्रहण करने के अलग अलग तरीके मैं आपको बताता रहता हूं, बात मेरी आकर वाइब्रेशन पर ही रुकती है। जब कोई बेटी दुखी होती है तो साईं कसम मेरी आत्मा रो पड़ती है, बहुत दुखी हो जाता हूं। परमात्मा किसी भी बेटी को दुख ना दे, ना दे दुख किसी भी बेटी को। बहुत अच्छा भाग्य लिखकर ही भेजे बेटियों का। तो इसलिए कह रहा हूं कि आप ये रास्ता अपनाइए। इसमें थोड़ा से नियम है जो मैंने बताए हैं, फिर बताना चाहता हूं। सबसे पहले गणेश भगवान को जल चढ़ाना है, फिर शिव भगवान को, फिर गौरा माता को, फिर श्रृंगार चढ़ाना है, प्रार्थना करनी है, फिर नंदीगण को। तो भीड़ भाड़ वाले मंदिर में मत जाइए, किसी ऐसे मंदिर में चले जाइए जहां भीड़ नहीं होती है। हमें आदत होती है जहां भीड़ है वहीं जाएंगे, चाहे धक्के लगें, ठीक से पाठ पूजा भी ना करवा मतलब कर पाए वहां से, बस जाएंगे वहीं। तो आप कहीं किसी भी मंदिर ऐसे में चले जाइए जहां भीड़ नहीं है। तो फिर गोरा माँ जब जागृत हो गई तो आपके पति आपके हो जाएंगे। शादी नहीं हो रही है तो हो जाएगी, बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगी। वैसे जन्म कुंडली में जो मंगलिक होते हैं, सातवें घर के, आठवें घर के, उनकी शादियां लेट होती हैं, तो जन्म कुंडली के उपाय करें तब भी जल्दी हो जाती है। पति का सुख नहीं है, कई बार क्या होता है, पति सुख पर बुरे ग्रह बैठ गए तब भी पति का सुख कम हो जाता है, उपाय करें तो ठीक हो जाता है। तो ये सब डिपेंड करता है हमारे ग्रहों पर, हमारे पाठ पूजा पर। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं बहुत सारी जानकारियां देने वाला हूं, रेकी से संबंधित, एक्यूप्रेशर से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित, शिरडी के साईं बाबा से संबंधित, आपकी जिंदगी के बारे में बहुत सारी जानकारियां यहां पर आपको उपलब्ध होंगी। यदि आप बहुत सारी जानकारियां लेना चाहते हैं समय समय पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से बहुत सारे लोगों का भला होता है। वह भी जब ये वीडियो देखते हैं तो वह भी कुछ सीखते हैं। यदि आप मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं, यदि आप कोई जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं या कुछ और, तो कृपया व्हाट्सएप लिख कर कीजिए, फ़ोन मत कीजिए, 3 दिन में जवाब मिलेगा, इंतज़ार भी कीजिए। जय साईं राम, नमस्कार।